नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और आप सब देख रहे हैं विक्रम गार्डनिंग नॉलेज। और मैं आज आप सबको दिखाने वाला हूँ हल्दी कैसे लगाई जाती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ काली हल्दी के बारे में, काली हल्दी या हल्दी आप कैसे लगा सकते हैं और कैसी लगाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, बस आपको 15 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा और 2 फीट गहराई करनी है। ये आपका एक मानक है। हल्दी, अदरक आदि, काली हल्दी, ये सब लगाने का एक मानक है। तो आप इस तरह करिएगा गड्ढे, और उसके बाद फिर से आपको 1 फीट छोड़ करके फिर आपको दूसरी गड्ढी करनी है, फिर आपको तीसरी गड्ढी करनी है, फिर आपको जितने गड्ढे करनी है उस तरह करिएगा। 15 से 10 फीट आपको लंबाई रखनी है और 1 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई, ताकि आप इसमें खाद वगैरह डाल सकें अच्छे से। देखिए गाइस, ये गड्ढे हो रही है और आगे ये गड्ढे होंगे। और काली हल्दी आज लगाने के बारे में आज को बताने वाला हूँ। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह ये बेड मैंने तैयार कर चुके हैं। ये पूरे बेड देख सकते हैं। तो इस बेड में आप जो, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका 15 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा ये कर लेनी है। तो मैंने तो अभी आपका सामने देख ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 गड्ढे बना रखे हैं और मैंने इसमें लगानी है हल्दी, ब्लैक हल्दी जो आमतौर पर जल्दी देखने को मिलती नहीं है। तो मैं ब्लैक हल्दी के बारे में ही बताने वाला हूँ कि ब्लैक हल्दी को किस तरह लगाई जाती है। तो 15 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा करनी है जितने भी आप बेड बना रहे हैं इसकी। तो बेड मैंने बना चुके हैं, देख सकते हैं पूरे ये तैयार हो चुके हैं। और बेड बनाने के बाद आपका प्रोसीजर है कि आप इसमें फर्स्ट लेयर हम लोग डालते हैं पत्ते, उसके बाद हल्की भुरभुरी मिट्टी, उसके बाद थर्ड लेयर इसमें गोबर डालते हैं, जो सूखी वाली डस्ट वाली देख सकते हैं गोबर, ये सूखी डस्ट गोबर आप डाल सकते हैं और ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ब्लैक हल्दी एक मेडिसिनल प्लांट है और ये एक मेडिसिनल ज़्यादातर जंगलों में पाई जाती है और ये जंगली प्रजाति का है। तो इसे ऑर्गेनिक ही चाहिए, हर कुछ प्राकृतिक द्वारा ही सब कुछ चाहिए इसे खाद। अगर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपकी पैदावार थोड़ी कम हो जाएगी, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो इसमें सूखी गोबर, फर्स्ट लेयर हम लोग पत्ते डाले हैं, सूखे पत्ते, उसके बाद हल्की भुरभुरी मिट्टी, उसके बाद हम लोग डाले हैं सूखे गोबर। अब ये हल्दी लगने लायक ये बेड पूरे सारे देख सकते हैं तैयार हो चुके हैं, ये पूरे बेड तैयार हो चुके हैं हल्दी लगने लायक। तो अब हम लोग इसमें हल्दी लगाएंगे, और अभी काली हल्दी आप इसमें नॉर्मल हल्दी और अदरक ये सब सारे इसी तरह के बेड बना करके आप लगा सकते हैं। तो आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी और अच्छी खासी आपकी फसल तैयार होगी। और लगाने का ये बेस्ट सीजन है, जून का महीना बेस्ट होता है। जून आप फर्स्ट हफ्ते में आप लगाएं, क्योंकि एक दो बारिश हो ही रहती है, इस टाइम आप लगाएंगे। तो अदरक हल्दी ये सब लगाने का बेस्ट टाइम है। तो अभी इसे इसलिए लगाने वाला हूँ मैं। और इसे लगाने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ब्लैक हल्दी मैं लगा चुका हूँ और इसकी दूरी लगभग 1 फीट रखनी है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक हल्दी मैंने लगा रखे थे और ये आपका 15 दिन में ये जर्मिनेट हुई। थोड़ी सी मतलब गर्मी थी इसीलिए ये थोड़ी स्लो ग्रोथ किए हैं। तो ये मतलब बोले तो 12-13 दिन में ये जर्मिनेट हो जाते हैं, या 15-16 दिन में जर्मिनेट हुए हैं ये। तो देख सकते हैं
काली हल्दी की आप पहचान करने के लिए आप देख सकते हैं, तो ये आपका छोटे जो केले होते हैं केने, वो इस तरह के पत्ते इसके दिखते हैं, तो देख सकते हैं हल्के केने के टाइप में ये पत्ते दिखते हैं छोटे केले। और आपका मिडिल में देखिएगा हल्का सा डार्क शॉट दिखेगा, इसमें ब्लैक कलर की इसमें आपके नोड्स दिखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कैमरे में तो आपको दिख रहे होंगे हल्के से ब्लैक मिडिल में। तो यही है ब्लैक हल्दी का पहचान। तो मैंने देखिए हर रो में लगा रखे हैं 1-1 फीट की दूरी पे, तो यही अंतराल में आपको भी लगानी है हल्दी या ब्लैक हल्दी या अदरक। यही रो देख सकते हैं सारे रो में लगी हुई है हल्दी पूरे, और ये अच्छी पैदावार होगी। अभी बेस्ट सीजन है जून का महीना में, फिर उसके बाद आप इसे निकालने का जो बेस्ट सीजन होता है तो आप फरवरी लास्ट में आप इसे निकाल सकते हैं, फरवरी लास्ट मार्च में, फर्स्ट मार्च में आप इसे अदरक हल्दी ये सब निकाल सकते हैं। और निकाल के इसको रखने के लिए आप पौधे को हल्के छायादार एरिया में आप रखिए और हल्के बालू में इसे लगा दें, और जब ये स्प्राउटिंग हो जाए तो जून महीना में ये 1-2 बारिश होती है तो अपने आप ये स्प्राउटिंग होना चालू हो जाती है, उस टाइम आप इसे निकाल करके इसी तरह बेड बना करके आप इसे डाल दें। तो आप लंबाई से बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 फीट लंबाई रखी है, तो आप लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन चौड़ाई बस 1 फीट चौड़ाई 1 फीट गढ़ाई ये रखनी है, और आप लंबाई आप जितना चाहे ले सकते हैं, 20 फीट 30 फीट 40 फीट जितना चाहें उतनी लंबाई ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।